हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। अल्मोड़ा जिले के गांव कुमलेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में सल्ट विकास खंड के तल्ला सल्ट कांग्रेस नेत्री मोहिनी मोलेखी ने अपने समर्थकों के साथ विधायक महेश जीना, मंडल पूरन रजवार व हरीश कोटिया के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान सभी ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कांग्रेस नेत्री ने कहा कि वह कांग्रेस में 32 सालों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड में आंदोलन में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल उनका इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस से दुखी होकर भाजपा की सदस्यता ले रही है। भाजपा के मुख्यधारा में महेश जीना जी के अंतर्गत इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे लगा कि जहाँ पर मैं 32 साल से कांग्रेस में बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने हमारे हर बात में अनदेखी करी। जहाँ पर हमने चाहा कि जिस उम्मीद और भरोसे से हम उनके साथ लगे थे, तो उन लोगों ने हमको इस समय बिल्कुल हाशिए पर लाके छोड़ दिया। तो मैं समझती हूँ जहाँ तक रणजीत रावत जी एक विकास के नेता हैं, लेकिन जहाँ पर उन्होंने अपने एक राजनीतिक गुरु जो हरीश रावत जी ने उनको आगे उंगली पढ़ के चलना सिखाया, आगे बढ़ाया, उनको झटका मार रहे हैं, उनको नहीं पूछ रहे हैं, तो हम क्या चीज है? हम तो छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं। और उसके साथ साथ मेरी पीड़ा रही है गंगा पंचोली से, क्योंकि गंगा पंचोली सल्ट विधानसभा की पिछली बार दो बार प्रत्यक्ष रह चुकी है, और उसमें उनको हमने मनोयोग से सोचा कि हमारी एक महिला बहन हमारी गांव क्षेत्र से आगे आई है, इनको पूरे महिलाओं का नेतृत्व करने का टाइम वो मिला है मौका, तो उसको न छूटा। लेकिन उसमें भी इन्होंने जिस प्रकार से हमको विश्वास में लेकर के उनके प्रति भीतरघात से उनको हराया गया, वो हमारे लिए बहुत ही असहनीय और असहज करने और बहुत ही मन खराब करने वाला कारण रहा, जिससे कि मैं वहाँ से मन हटा करके भाजपा में शामिल हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि हमारी यह पार्टी महिलाओं को भी आगे आने का पूरा अवसर देगी। मेरे साथ इस समय होंगे पूरे 100 से 150 लोग होंगे, जो कि मेरे साथ पूरे मेरे साथी कार्यकर्ता काफी टाइम से लगे हुए हैं। उसमें भी जिसको कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है, आज तक हमने भी मैंने काम किया है उनके बीच में, हम उनको अपना वोट बैंक मानते हैं, लेकिन उनको भी विकास कार्यों से, उनके सुख दुख से, उनकी भावनाओं से, उनको आगे लाने के कार्यक्रम से वंचित रखा जाता है। मात्र वोट के समय उनकी पूछताछ होती है और उससे अलावा उनको कहीं पर नहीं पूछा जाता। उनको भी इस बात का दुख है कि हमारे इतना समय का कार्य होने से हमको कहीं नहीं पूछा जाता। वो लोग सब इस भावना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उनको वहाँ पर हमारे स्थानीय स्तर पर जो जीना जी का कार्यक्रम होगा वहाँ पर मैं उनको शामिल करूँगा। आज मैं यहाँ कुमालेश्वर में भ्रमण पे आया था, अपना प्रचार में लगा हूँ, और अचानक ही हमारे तल्ला सल्ट की कांग्रेस की प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं मोहिनी मोलेखी जी, उन्होंने यहाँ आकर हमें ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को के मैं शामिल होने के लिए आग्रह किया, और उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं उनसे मैं तंग आकर, और अपना इतने साल मैंने जो कांग्रेस को अपनी जवानी से जब वो पढ़ती थी तब से वो कांग्रेस में शामिल थी, लेकिन आज वो रणजीत रावत जी की जितनी भी दमन की पॉलिसियां हैं उनसे तंग आकर उन्होंने हमारे को ज्वाइन किया, और उन्होंने कहा है कि हम राष्ट्र निर्माण में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहते हैं। तो हमने भी उनको अपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है, और आज हमें भी खुशी है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है, इसके लिए हम भी उनको अपनी पार्टी में शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।